और दोस्तों ये जवानी है दीवानी आप लोगों ने तो देखी होगी, वो यहीं पे शूट हुई थी। तो ये है दोस्तों मॉल रोड, यहाँ का रश तो कम हो गया है मनाली में, पर रश कम नहीं हुए हैं भाई जी। सुना दो कुछ बढ़िया सा। सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों पिछले कल रात को देर रात तक एडिटिंग कर रहा था, मतलब कि रात के 3 बज गए थे भाई, मतलब सुबह के 3, और फिर जाके सोया और सुबह 9 बजे जल्दी उठ गया। वैसे तो मैंने सोचा था कि इतना लेट सोया हूँ 12 बजे तक सोऊंगा, आराम से अपनी नींद पूरी करूंगा, बट जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मेरे को मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स की कॉल आई और वो कहने लगे कि कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने उनको बोला घूमने जाएंगे तो सिर्फ मनाली जाएंगे। तो फिर मैंने घर वालों को पूछा अपने कि मैं मनाली जा सकता हूँ या नहीं। पहले तो इन्होंने मना किया क्योंकि इनको मतलब मेरी फिक्र रहती है, इनको लगता है मैं बच्चा हूँ। घर का छोटा बेटा होने का एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ तुम बच्चे ही समझे जाओगे। मेरे घर वालों को तो लगता है मैं अकेले शॉपिंग भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा मनाया इनको, फिर उन्होंने हाँ कर दी। और काफी लोग सोचते हैं कि मैं प्रॉपर कुल्लू मनाली से हूँ। कुल्लू मनाली में एक छोटा सा गाँव है मेरा, और जो मेन सिटी है ना मनाली की, वो यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी में है। तो बस आज मेन सिटी की तरफ जाएंगे घूमने, हडिम्बा माता मंदिर भी देखेंगे। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। फिल्म बनाने जा रहा है? हाँ फिल्म बनाने जा रहा हूँ। दादाजी इधर देखो, जो मैं बनाता हूँ ना वो फिल्म नहीं है, उसको बोलना ब्लॉग। ब्लॉग बोलो, ब्लॉग बनाने जा रहा है। ब्लॉग बनाने जा रहा है? हाँ ब्लॉग नहीं, ब्लॉग ब्लॉग। हाँ ब्लॉग। हाँ मेरा ब्लॉग नहीं, ब्लॉग। तो दोस्तों आजकल हम मेरी फैमिली वाले ना बाहर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि ऐसे मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है एकदम मस्त वाली, तो भाई ऐसे में खाना खाने का मज़ा कुछ और होता है। बड़ा दुख हो रहा है मेरे को कि बीजू भाई मेरे साथ नहीं जा रहा है, थोड़ा लेट हो गए हैं, थोड़ा नहीं मतलब बहुत लेट हो गए हैं, और मेरा जो दोस्त है घर के आगे गाड़ी लगा के मेरा वेट कर रहा है। चलो दोस्तों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, सो लेट्स गो। पैसे कहाँ ढंग से, अगर घूम कर दिए मैं दूंगी तू रही भाई पे। मैंने बोला था ना आपको, इनको लगता हूँ मैं बच्चा। आज तक तू करता है, एक दिन किए तूने यहाँ देख पे कितने थे तेरे जेब में, बोलो गुम हो गए, फिर को आप आता तू है लापरवाह, बाकी पैसे कहाँ रखे। चलो कोई नहीं जेब में ही है। शाम को पहुँचना कुल्लू गुंतर रूम में जाना, ठीक है? मुझे विदा करो। ठीक है बाय बाय। ठीक है दादू, ओके बाय बाय। ओके ओके ठीक है बाय बाय ब्रो, सी यू। बस ठीक है ब्रदर, ठीक है फिर मिलते हैं। पापा जी तो बिजी है, गुन्नू कहाँ है, वो चला गया कहीं। चलो कोई नहीं घर आके ही मिलेंगे अब उससे। अब बोलेगा ये बहुत वेट करवा दिया भाई तूने, इतना टाइम कहाँ लगा दिया। मैं सहन से पहुंच गया यहाँ। यहाँ देखो भाई कितना अच्छा भाई है, इसका मन किया मेरे को गाड़ी तक छोड़ने का, पीछे पीछे आ गया देखो। मैं था इससे मिला। अच्छा गजब बेइज्जती है। ठीक है तब मजे। ओके अभी बीच में हमें दो और दोस्त पिक करने हैं अपने, जो कि बस थोड़ी दूरी में पहला दोस्त मिलेगा, उसके बाद दूसरा दोस्त मिलेगा। गाइस मिलिए इससे, ये मेरे बचपन का दोस्त, माय बेस्ट बडी। यहाँ देखो भाई ये इतना कूल है कि इसको गर्मियों में भी गर्मी नहीं लग रही, जैकेट पहना हुआ है बाहर से बंदे ने। मम्मी जी पता क्या बोल रही थी, बोला तू और अंकुश जाएंगे, बोला तब नहीं तू जाएगा, तब बैठ तू घर पे, कैलाश जाएगा बोला तब जाएगा तू। क्योंकि इसने ना मेरे घर पे अपनी इमेज बहुत अच्छी मेंटेन रखी है, और जितने भी कांड थे वो मैंने और अंकुश ने साथ में किए हैं। तो फिर मेरे और इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, हमारे को बताना पड़ता है। अभी भी मेरे को वीडियो कॉल करके इसका चेहरा दिखाना है घर पे कि ये है मेरे साथ। देखो भाई मौसम मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, मेरे को तो लग रहा है बारिश हो जाएगी। पागल हो रहा है तू। तो दोस्तों हमारे लग चुके हैं, हमारी किस्मत भीग चुकी है, और सामने देखो इस तरफ को मनाली है, कुल्लू मनाली। तो कुल्लू मनाली की तरफ बहुत नीचे नीचे तक बादल जो है वो छा चुके हैं। इंजॉय करने निकले हैं, इंजॉय करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे, हम है बेबी हम, बाकी सारे पानी कम नहीं, मैं पानी तो बहुत ज्यादा है यार। और इस तरह से देवता जी को ले जाया जाता है। हमारे वहाँ के देवता, ये जो हमारे देवता होते हैं ना हिमाचल में, इनके साथ एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। तो ये जा रहे हैं पार्वती वैली में, और ये देवता हमारी साइड के ही हैं। अब देखो हमारी साइड से पार्वती वैली का डिस्टेंस कितने किलोमीटर होगा, लगभग 100 के आसपास। 100 का ज्यादा, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा किलोमीटर आसपास, 120 किलोमीटर तक होगा ये भाई। और ये देवता जी के साथ पैदल ट्रेवल करना पड़ता है, देवता गाड़ी में नहीं जाते हैं। तो भाई अब खुद देखो इतने सारे लोग जाते हैं देवता के साथ, और 120 किलोमीटर इससे ज्यादा भी पैदल चल के जाते हैं। वेज मोमोज है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, ये तो पूरे पूरे डाल रहे एक ही बार मुंह में।
आगे रोकेंगे, रुक जा भाई, वॉशरूम क्या छूट क्या रहा है भाई, दरवाजा कर बंद, दरवाजा बंद किधर है, देखो यार करो बंद, बंद करो, कर रहे यही कर रहे, इसको समझा भाई होगा होगा यहाँ ऐसे दोस्तों से, बढ़िया ना भाई, दुश्मन अच्छे हैं। चल अब और भाई जी ठीक है आप, तो हम चारों स्कूल फ्रेंड्स आज इकट्ठा हो गए हैं दोस्तों, मजा करेंगे मजा। चलो गाइज एक बहुत ही ट्रेंडिंग गाना सुनाता हूँ आप लोगों को, यहाँ देखो दोस्तों मनाली में यही है, पार्किंग नहीं मिलती आसानी से, अब यहाँ देखो वहां तक है ऊपर तक बस पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई है, यहाँ पे मिली फाइनली हमारे को पार्किंग के लिए एक जगह। वेलकम टू मनाली ब्रो, वेलकम टू मनाली ब्रो, वेलकम टू मनाली ब्रो। अजय भाई की तरह लग रहा है तू, जब से मैंने दाढ़ी रखना स्टार्ट की ना सारे बोल रहे हैं कि भाई जी की तरह लग रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मनाली के फेमस मॉल रोड की तरफ, तो यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं मॉल रोड में, चलो देखते हैं कैसा मॉल रोड है और आपको भी दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों मॉल रोड यहाँ का, आजकल मेरे को लग रहा है रश बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है ना, रश तो कम हो गया है मनाली में पर रश कम नहीं हुए हैं, बरसात के मौसम के डर के कारण टूरिस्ट थोड़ा कम आ रहे हैं आजकल, प्रीकॉशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोनू भाई कैसा लग रहा है, जेन्युइन बताओ ऑनेस्टली बोला, सही में मजा आ रहा है, ठंडा है यहाँ पे। और यहाँ पे मॉल रोड के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जब चलोगे तो आपको मिलेंगे हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जी, यहाँ है वो डिक्की वाला। अरे एक तो इसने तंगी कर दिया भाई, जब से निकले ना घर से तब से वो रहा है मनाली में मिलता है एक टिक्की वाला, तब से तंग कर रहा है भाई, टिक्की मिलती है मनाली में एक, वो खानी है सबसे सस्ता और टेस्टी नहीं है, उनको लग गया शायद पता आज है तू आने वाला, ठेला ठूला बंद करके चले गए वो, इसके चक्कर में आए हम यहाँ तक, पता कितना आगे माल रोड से यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ आके क्या मिलता है सुनने को, टिक्की वाला ही नहीं बोला वो, 50 रुपए की टेस्टी टिक्की वाला ही नहीं है। तो अब हम बिल्कुल सेंटर से दिखाने जा रहे हैं आपको मॉल रोड का व्यू मनाली में, तो ये भाई इस बार ज्यादा भीड़ नहीं है अभी इस सीजन में। ओके गाइस मॉल रोड से आ गए हैं, लेट्स गो, ये वाला रोड जा रहा है डिम्बा को, अभी हम इस वाले रोड से आए मॉल रोड से, यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा बोरा है। चलो भाई लोग आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, ये देखिए याक साइज में होते हुए ठीक बड़े है ना, सींग देख क्या मस्त है इसके, यहाँ देखो भाई पूंछ में भी देखो कितने बाल है, ये तो अब कुछ ऐसा लग रहा है, मैंने बोला इसकी पूंछ में बहुत बाल ना, ये बोरा बालों से प्रतीत हो रहा है, ये अंकुश की प्रजाति का है क्योंकि इसके छाती में बहुत ज्यादा बाल है ना उसके करके इसकी इंसल्ट कर रहा है, देखो भाई मस्क लगा रहा है, मस्क लगा रहा है, यहाँ देखो भाई एक और याक मिला है हमें, ये वाली सीढ़ियाँ चढ़नी है दोस्तों अब, ओए मेरे पैर थक रहे हैं थोड़ा जल्दी चलो, अब थक गया हूँ मैं, बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी रहता है जो हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना पट्टू, उसको पहनाया जाता है टूरिस्ट को, साथ में एक रैबिट दिया जाता है फोटोज लेने के लिए, तो इसको भी पहनाएंगे, ये पहनेगा ना तू, ये फीमेल के लिए होता है दोस्तों ये वाला ड्रेस, लड़कों का अलग होता है पर ये लड़कियों का भी पहन लेगा ऐसा बोल रहा है तो ये मंदिर है माता हडिम्बा का, तो दोस्तों आ गया हूँ अंदर से आशीर्वाद लेके माता का, यहाँ देखो आप कितने सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे माता का आशीर्वाद लेने के लिए। तो दोस्तों हडिम्बा माता जो है ना उनको प्यार हो गया था भीम से, जो पांडवों में भीम थे उनसे प्यार हो गया था, हडिम्बा माता ने बहुत मदद भी की थी भीम की कई सारे कामों में, और उन दोनों का एक बच्चा भी हुआ बाद में जिसका नाम घटोत्कच है, तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है जो मेरे को हडिम्बा माता जी के बारे में पता है। यहाँ देखो भाई टूरिस्ट कितने ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ देखो तब से ये फोटोज लेने की कोशिश कर रहा है और बीच से कोई रुक ही नहीं रहा है, ये कैमरा लेके खड़ा हुआ है तब से। और दोस्तों ये जवानी है दीवानी आप लोगों ने तो देखी होगी, वो यहीं पे शूट हुई थी। मैं दौड़ना चाहता हूँ नैना, मैं भागना चाहता हूँ, मैं बस गिरना नहीं चाहता नैना, सीढ़ियों से साइड से गिर जाऊं। ये जवानी है दीवानी मूवीज जो यहाँ पे शूट हुई थी उसके डायलॉग्स पूरे रट के रखे हैं हमारे भाई ने, भाई जी सुना दो कुछ बढ़िया सा। मस्त है
बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। नहीं यार पर बजाया बड़ा मस्त भाई, टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है भाई। पर इंडिया में होता है ना, टैलेंट की कदर नहीं है। अब देख तू फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है ना, किसी को मतलब म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको डाल देते हैं बचपन से म्यूजिक में, डांस में हो गया उसको डांस में। हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाई करो, पढ़ाई करके ही तुम सक्सेसफुल होंगे, वरना होंगे नौकरी करो। हाँ बस ये है। अब यहाँ से आगे भाई बाजार स्टार्ट हो गया, मतलब खाली हो गया भाई। अब यहाँ से आगे हो गया है रोड स्टार्ट, इतना ही है शायद ये। अब वापस मुड़ते हैं, वो दो रह गए वही। हाँ जी कहाँ है? हम यहाँ हिडिंबा माता मंदिर के वहाँ। चलो गाइस घर से भी फोन आ रहे हैं, अब तो निकलते हैं, बहुत फन कर लिया आज दोस्तों। अभी खैर वापस जा रहे हैं, पर वेदर देखो आप, मतलब हमारे आते टाइम कैसा था और अब जाते हुए देखो कैसा है। लगता है मनाली हमारे जाने से खुश है, जब हम आए थे तब नाराज बैठा हुआ था। चलो अब गाइस, हमारी मम्मी को ज्यादा चिंता होती है ना हमारी, उनको लगता है हम बच्चे हैं तो तब करके हमें थोड़ा जल्दी घर निकलना पड़ता है, मम्मी को नाराज नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल शाम होने के टाइम अभी जाके कुल्लू पहुंचे हैं गाइस, गाड़ी हमने वहां लगा दी है, फिर यहाँ से थोड़ा हम चल के आए। यहाँ पे मेरे फ्रेंड का रूम है अब तो, आज रुकेंगे हम यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं बाहर रात हो चुकी है और मैं इस वक्त कुल्लू में हूँ। रात को सिटीज का व्यू ऐसा ही होता है, हमारे गांव से बिल्कुल अलग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग ऐसा समझ लेना आप लाइव ही देख रहे हो, क्योंकि मैं अभी एडिट करके अभी पोस्ट कर रहा हूँ इसको। तो कमेंट करके बताना कि ब्लॉग का फेवरेट पार्ट क्या था, और अब हमें करना है थोड़ा सा आराम। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।